हाय गाइस, मैं पवन सैनी। आज हम सीखेंगे सदिश बीजगणित में त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करने हैं जब उसके शीर्ष दिए गए हों। तो देखिए, इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन्हें हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ए वेक्टर आपका हो जाएगा 1 1 के लिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसी प्रकार बी वेक्टर 1 2 3 के लिए हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सी की बात करते हैं, सी वेक्टर 2 3 1 के लिए, तो ये हमारा 2i प्लस 3j और प्लस के वेक्टर। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 ए बी वेक्टर गुणा ए सी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ए बी और ए सी चाहिए, तो निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर आपका मतलब है बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा देंगे, तो बी वेक्टर ले लेंगे आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर घटाना है तो इसका मतलब इसके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस आई माइनस जे और माइनस के। तो यहाँ घटा लेंगे, आई में से आई घटाएंगे तो ये 0i हो गया। उसके बाद 2j में से अगर जे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जे होगा। 3 में से अगर इस 1 को घटाएंगे तो ये 2k हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ए बी वैक्टर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार निकालेंगे हम ए सी वैक्टर। तो यहाँ सी वैक्टर में से ए को घटा लेंगे तो सी वैक्टर आपका 2i प्लस 3j और प्लस के। उसमें से ए घटाना है तो माइनस आई माइनस जे और माइनस के आपका हो जाता है। घटा लेंगे इसे तो यहाँ देखिए 2i में से 1i घटाएंगे तो खाली i रहेगा। उसके बाद में 3j में से अगर j घटाएंगे तो यहाँ 2j रहने वाला है और k में से k घटाएंगे तो ये हमारा 0k रहने वाला है। तो ये हमारा ए सी वैक्टर निकल जाता है। अब देखिए, हमारा आवश्यकता है ए बी गुणा ए सी की, तो निकाल लेंगे ए बी गुणा ए सी वैक्टर। तो देखिए, उसके लिए निकालने के लिए क्या है, आप सारणिक बनाएंगे और इसमें i j और k ये हम लिख देंगे। चलिए, हमने लिख दिया आई जे के। अब क्या करना है, ए बी और ए सी के कोएफिशिएंट रखेंगे। तो ए बी के कोएफिशिएंट देखिए, आपके आई के लिए 0 है, जे के लिए आपका 1 है और के लिए 2 है, यानी 0 1 2। ए सी की बात करते हैं तो यहाँ आपका 1, उसके बाद में 2 और ये 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ आई लेंगे सबसे पहले, तो नीचे वाला पार्ट ढकेंगे सामने वाला पार्ट, तो यहाँ बचता है 0 माइनस 4। दूसरे के लिए माइनस प्रयोग करते हैं चिन्ह बीच वाले के लिए, प्रक्रिया वही है, नीचे वाला ढका सामने वाला ढका, तो ये 0 माइनस 2। अगले पे चलते हैं प्लस के पे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट ढका ये ढका, तो 0 माइनस आपका 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो -4i कैप और ये प्लस का आपका 2j कैप और ये आपका माइनस के कैप हो जाएगा, यानी हमारी ए बी गुणा ए सी आ जाती है। तो यहाँ से हमारा ए बी गुणा ए सी जो आया है -4i + 2j और माइनस के कैप हो जाता है। अब हमें देखिए, इसमें फॉर्मूले में क्या था, इसका मॉड निकालना है, तो वही करेंगे। ए बी गुणा ए सी का मॉड निकाल देंगे। मॉड का मतलब है अंडर रूट के अंदर इनके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते चलेंगे, तो -4² + 2² + -1² चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो ये आपके जुड़ के जो हो जाते हैं 16 4 20 और 1 21। तो यहाँ ए बी गुणा ए सी का मॉड अंडर रूट 21 हो जाता है। अब आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा 1/2 मॉड ए बी गुणा ए सी। तो देखिए यहाँ 1/2 ए बी गुणा ए सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 21, तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई, तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।